हेलो बच्चों, देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कहा कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5। ठीक है, 3/5। 3/5 मतलब पी बटे एच दिया हुआ है। पी बटे एच दिया मतलब दो भुजा जब दिया रहे तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आसान फॉर्मूला क्या होता है? क्या निकालेंगे? बी बी बराबर सूत्र क्या होता है? पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटा देंगे। जब घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। घटा 9, 3 3 गुना 3 9 होता है। 25 में से 9 गया बचेगा 16। 16 का वर्गमूल आपका कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। जब 4 हो जाएगा तो हम निकालेंगे, इसलिए करेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा। देख के आग पकाना नहीं है कि इतना बड़ा है तो कैसे बनाएंगे, है ना? कैसे बनाएंगे? क्षण भर में बन जाएगा, देखते रहिए। पी टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? पी बटे बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, और पी बटे यहाँ एच का पी बटे एच इंटू बी बटे एच कर लेंगे, और प्लस कर लेंगे। यहाँ क्या होगा कि बी बटे पी, बी बटे पी। जब बी बटे पी यहाँ कर लेंगे तो क्या होगा? पी मेरा दिया हुआ 3 और बी निकला कितना? 4। 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, और पी मेरा दिया हुआ 3, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5 इंटू, उसके बाद हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, उसके बाद 4/3 हो जाएगा। 3 4/3 कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह से हम देखेंगे, 3 3 9 होगा, 4 4 16 होगा। 3 3 9 4 4 16 होगा, तो यहाँ कर लेंगे, और यहाँ 4 5 4 3 12 और 5 25 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा, उसके बाद करेंगे 4/3 हो जाएगा। 4/3, जब 4/3 इस प्रकार से जब हो जाएगा तो कैसे क्या करेंगे? ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। ये दोनों का क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। जब लघुत्तम निकालेंगे तो देखते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों का मतलब क्या करेंगे? तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। तीनों का लघुत्तम आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। जब 1200 आ जाएगा तो 1200 लिखा हुआ, ठीक है, मिस्टेक हो गया, तो 1200 हो जाएगा। तो 16 में 1200 कितने बारे में आता है? तो कितने बारे में आएगा? तो यहाँ देखेंगे कि 16 से भाग जब देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये दोनों। तो 25 75 बार में आएगा 16 का पहाड़ा में, ठीक है। तो 75 गुना कर लेंगे 9, तो आपका कैसे होगा? यहाँ गुना कर लेते हैं, 75 गुना 9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 5 45 के 5 और 7 9 63। 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67। 675 आपका हो जाएगा। 675 यहाँ लिख लेंगे, 675 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा कि 25 25 का में 1200 कितने बार में आएगा? भाग देंगे तो भाग देंगे कैसे? ये दोनों ये ऐसे करेंगे, ई कट जाएगा तो बचेगा ई। तो 16 गुना 3 कर लेंगे, 16 3 48। 48 गुना 4 करेंगे तो 48 48 गुना 12, है ना? तो कितना हो जाएगा? 12 48 के 8। 12 48 के 8 हो जाएगा, सॉरी। चलिए यहाँ करके दिखाते हैं, 12 गुना 48, ठीक है। तो 12 96 के 6 हो जाएगा, 48 48 अड़तालीस और 9 है ना, 48 9 कितना हो जाता है? 57। कितना होता है? 57, है ना। तो कितना हो जाएगा? 576 576, है ना, 576। अब 3 का पहाड़ा में 1200 कितने बारी में आता है? ये तो हल्का से सवाल है, 400 बारी, है ना। तो 400 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? 1600। अब इतना का कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना? 6 5 11 11 के 1 हो जाएगा, और 0 7 7 7 14 14 1 15 होगा, बाकी 1। उसके बाद हो जाएगा 5 6 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17 17, बाकी बाकी और रहा था ना हाथ में, कितना हो जाएगा? 8। और कितना है? 1 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2/1200 आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया, है ना। तो इसी तरह के मजेदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएं ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।